Yes. सर आपका प्रॉब्लम आ गया आपको? सर लॉ मांगा था मेरे से है? कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने मेरे से लॉ मांगा था कि जिसके उसमें मेरे को फ्लैट अलॉट हुआ है पिछली लास्ट तारीख, तो सर वो ऑलरेडी इसमें फाइल है मेरी पिटीशन में। सर आई है नंबर 1219 एन एस आई पी 22। आई है नंबर 1219 1219 1219 कहाँ है भाई? बहुत सर अमेंडमेंट पिटीशन के साथ मैंने फाइल किया था। सर इसमें एन एक्स आई पी 22 पेज नंबर 24। पेज नंबर 24। सर मैंने ये अमेंडमेंट पिटीशन इस समय फाइल किया था जब मैंने उस जहाँ बताया है एक्सटर्नल कमेटी ने मेरे एडिशन में करप्शन किया था, बट सर दिस इज़ द लेटर ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड दिस इज़ द सब्जेक्ट फॉर रिविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड गाइडेंस ऑन सर्विस कंडीशन फॉर रिसर्च पर्सोनल। इसमें सर नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे पेज नंबर 25 पे सर सेकंड पॉइंट में सर्विस कंडीशन, इसका सर सेकंड पॉइंट है एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस और रिसर्च फेलोज में बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन वेयर एवर अवेलेबल, रिसर्च फेलोशिप होल्डर रिसाइडेड इन हॉस्टल शैल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एचआरए, वेयर एवर प्रोविजन और ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल एचआरए में बी अलाउड टू ऑल द अबव कैटेगरी। सर ये जो इसमें कंडीशन है वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें सर मैरिड स्टूडेंट आ जाते हैं और इसमें अनमैरिड भी आते हैं, जैसे यदि इसी स्टूडेंट के पेरेंट्स स्टूडेंट पर ही डिपेंड हैं तो वो नहीं छोड़ सकता, उसे हॉस्टल में नहीं रहना है, वो बाहर अपना पर्टिकुलर फैसिलिटी दे विल गिव यू हॉस्टल, वेयर देयर इज नो हॉस्टल फैसिलिटी दे विल गिव यू एचआरए। सर हॉस्टल फैसिलिटी हो, जैसे यहाँ पे भी है, यदि कोई स्टूडेंट नहीं रहना चाहता, मैरिड है या किसी और प्रॉब्लम से नहीं रहना चाहता, तो वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट पॉसिबल एचआरए मे बी अलाउड, वेयर एवर प्रोविजन ऑफ हॉस्टल इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल में सर सारी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट मैरिड है या वो अपने उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता, कोई भी सारे रीज़न आ जाते हैं इसमें, तो एचआरए देना पड़ता है। तो सर एचआरए देने की बजाय जो आईआईटी सिर्फ आईआईटीज हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत फ्लैट खाली है स्टाफ के, तो वो उन स्टाफ के फ्लैट पीएच स्टूडेंट को दे देते हैं, बाकी स्टूडेंट के पास भी है। डी डी नगर में तो जो हैं वो इवन फैकल्टी के क्वार्टर हैं, मैं तो स्टाफ क्वार्टर में हूँ, फैकल्टी क्वार्टर में, तो मेरे को इसी प्रोविज़न के तहत फ्लैट अलॉट हुआ था। तो सर इन्होंने खाली करने का नोटिस दिया है। हाँ तो आपको वो फ्लैट मिलना, फ्लैट का एंटाइटलमेंट किसको रहता है? सर ऐसे अगर मान लीजिए आपको फ्लैट दे दिया इन्होंने और अब आप कोई कह रहे हैं कि दूसरी जगह आपको अवेल करा देते हैं, हाँ जी सर ये प्रोविज़न
2019 में भी था जब मेरा एडमिशन हुआ था, तब भी डिटेन अभी था पॉकेट भी था, बट मैंने सेफ्टी के पर्पज से सिर्फ यहाँ मांगा था। और सर यहाँ पे मैं रेंट भी ज़्यादा ही देती हूँ, डिटेन 2200 है यहाँ पे रेंट जो मैं देती हूँ वो ज़्यादा देती हूँ। तो रेंट क्यों देती हैं आप? सर रेंट तो हम देते हैं ना सर 5000 रुपये, और जब सर 2200 देते हैं जो डिटेन में रहते हैं। अच्छा, और सर 5000 में 5700 है जो में हमारा, 700 रुपये हमसे फिक्स्ड चार्ज भी मांगा जाता है मेंटेनेंस का। सर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से पे कर रही हूँ सर। क्या गुप्ता साहब दे खत्म करो। तो हॉस्टल ऑफर कर दिया सर 25 मई 2023 ऑर्डर है उसको इसी के साथ। क्या कि 5 जून के पहले आप हॉस्टल में शिफ्ट होंगे? नहीं नहीं, अरे एक फ्लैट में अगर रहने के लिए वो जगह मांगा है। क्या था सर, जब खाली था 3 साल के लिए इनका एंटाइटलमेंट, 3 साल हो गए, उसके बाद अब आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरा शिफ्ट में हुई है, क्योंकि ये जो हमारे अकेडमिक और नॉन अकेडमिक स्टाफ आ रहा है उसको ट्रांजिट हॉस्टल के लिए हमें इसको यूज़ करना। अब कोई लेडी है, विडो है, कोई हेल्प करने है, वाला है, तो थोड़ी सिंपैथेटिक कंसीडर होना चाहिए ना। हाँ वो उसमें वही मेरा मतलब कहने का है। तो अगर कोई दिक्कत जो रूम ये चाहे, हॉस्टल हॉस्टल कितना दूर है वहाँ से? सर कैंपस में ही है हॉस्टल, बट मैं क्योंकि एज ए फैमिली रहती हूँ, मैं अकेली हूँ। क्यों आप सर रहता कौन है? और सर मैं अकेली हूँ, मेरे पास पूरे अपने जो मेरा पैटर्न मेरे जो मतलब पूरा घर का सामान है मेरे पास, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि सामान कहीं किराए पर रखूँ। अभी आपको कितना टाइम है ये अपना पीएचडी कंप्लीट करने में? सर 4 ईयर हुआ है मेरा, जिसमें 1 ईयर मेरा पूरा वेस्ट हुआ है। अभी कहानी सुनाओ, कितना टाइम बचा बताओ पहले। सर ऑफिशियली 1 ईयर है, यदि मैं मतलब यदि मैं ये पिटीशन में कंसीडर हुआ तो मुझे वो 1 ईयर एक्स्ट्रा कंपनसेशन में यदि मिला तो 2 ईयर से। और सर जो 3 ईयर का बता रहे हैं उसका मैं रिप्लाई दे चुकी हूँ। तो आर यू रियली सीरियस परसुइंग योर पीएचडी और यू वांट टू? सर मैं इतना स्ट्रगल इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज़ योर एफर्ट्स अपीयर टू बी टू अडॉप्ट अ स्टबर्न एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर पीएचडी, यू आर जस्ट बीटिंग द बुश अराउंड एंड क्रिएटिंग सम अदर प्रॉब्लम व्हिच अपसेट्स द कोर्ट एंड द मैनेजमेंट बोथ समटाइम्स। Why don't you adopt a positive attitude and also cooperate with the management? सर मैं सब कुछ बता चुकी हूँ कोर्ट में सर, मैंने अब मेरे को कितना साल मैंने इतना बॉदर किया है सर सब कुछ। Fact remains that we have given indulgence, that does not mean that every time you come to the court and we should come to your whatever you want, we should pass an order. सर अभी भी we have to also see the constraints of the institution. सर अभी भी 16 फ्लैट खा रही हैं सिर्फ क्योंकि मुझे हार्म करना है, क्योंकि मैं बाहर सेफ नहीं रह पाऊंगी। मैं डिटेन में बाहर क्या, आप तो हॉस्टल कैंपस में ही है ना? सर हॉस्टल में तो सर मैं बस इतना पूरा घर का सामान है, फ्रिज वगैरह सब सारा सामान है मेरे पास, हॉस्टल में तो पॉसिबल ही नहीं ना ये ऑप्शन। कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। तो सर तब तो फिर मैं मेरी पीएचडी होने के बाद मैं जहाँ जॉब करूँगी वहाँ जाऊँगी। अभी प्रेजेंट में खा रही हूँ सो मच इंग्रॉस विद अदर थिंग्स, आई वंडर इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर पीएचडी। सिर्फ 2 पोस्ट निकली है एडवर्टाइजमेंट में और सर अभी भी 16 फ्लैट खाली हैं। गुप्ता साहब 6 महीने और एडजस्ट कर लो इसको। सर हॉस्टल में आपको चॉइस दे दी गई, क्यों मतलब क्यों इंसिस्ट कर रहे हो ये बता दो। मैं अनलेस यू कुछ, मैं अगली डेट पर एक एप्लीकेशन लेके आ रहा हूँ जो मेरे को कहना, अभी ओरली कहना जरा अच्छा नहीं। सर मैं इनका पूरा रिप्लाई फाइल कर चुकी हूँ उनके एप्लीकेशन का, स्टाफ ही इन्वॉल्व था, अब मैं हमारा ऑफिस भी इन्वॉल्व है और कोर्ट भी इन्वॉल्व है, ऐसे एलिगेशन। आई एम कमिंग विद एन एप्लीकेशन ऑन नेक्स्ट डे। सर मैं बताऊं पूरा मैटर, मैडम इफ यू एक्सीड योर लिमिट सर 30 जून तक वी आल्सो लिसन टू मी फर्स्ट लिसन टू मी सर हमेशा सर मिस यू हैव टू लिसन टू अस आल्सो। This is not a fora where you can. सर इतना टाइम है ये सब नहीं करना है सर, मैं इन्होंने खुद 12 से 30 अगर आप ये समझ है कि आप यहाँ यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस सर, मैं सब मेरे पास इतना देन बेटर आई विल शो यू एग्जिट गेट।
behave yourself and listen to us. You are supposed to listen to us first. ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है आपको यहां पर. जब बेंच बोलती है तो आपको सुनना पड़ेगा. कैची की तरह जबान चलती है. यू डू नॉट नो योर लिमिट्स एंड यू हैव नो रिग्रेट नो रिमोर्स फॉर बिहेविंग लाइक दिस विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ पर्सन इन द कोर्ट रूम. Once we say listen to us, you are supposed to listen to us. Ma'am. Height of nonsense. Unless you conduct yourself properly, we will throw your petition. Once we have given value doesn't mean that every time you come here and start speaking without full stop comma. We are not your guardian. We are not your parents. We are court. We have to hear both sides. And once we speak, both of you are supposed to listen to us. You file an application, we will see to it. Sir, now 21st May 23 order of this Honorable Court in this case. It says, taking into facts into consideration, it is directed that petitioner shall apply for allotment of suitable accommodation as per her entitlement and is as admissible to PhD scholars. If petitioner makes an application within 3 days, then authority shall consider and decide said application within further period of 7 days and till 5th June the status quo shall be maintained as yesterday. That has been maintained. Has she filed any application or not? She has raised objection, this accommodation not suitable, that not suitable. Now I want to live in this room. Sir, I have filed compliance of order. You want to argue your petition finally today? Madam, yes. Do you want to argue your petition finally today? Sir, as court. No, if you want, we can pass the order today only, disposing of WP. Thanks. Now we will not adjourn the case. Let us see your prayer. And we will first you have to demonstrate which of your legal rights are violated, for which we can invoke Article 226. Show me your legal right. What is your main relief? And remember, you are arguing finally. Yes. Now you show me your relief in your petition and any provision of law which supports your pleadings, you support your prayer. First read the prayer. Sir, in main petition, relief sought, page number 9. Read the prayer, page number 9. Your first prayer is to release your scholarship, gate of scholarship, January 22. Second is adjust these 11 months in the course duration, in the course of petitioner. Petition for mental, this cannot be countenanced, ensuring safety, and that's all. Mr. Gupta? Sir. When we passed the first interim order, if you recall, yes.
22. We have given all this relief. So that covers this one, two, one, that covers first relief? No, sir. Fourth, and this 11 months have you adjusted? In the supervisor, second also. Adjusting these 11 months in the course duration of petition. That would be adjusted final or result from. You just seek instructions on this number 3 only. Yes. And come back, we will dispose of the petition. That's all. Sir, first is not considered. Your scholarship? Sir, since January 22, likha sir, maine isme jo period which she attended. That we will discuss and pass the order. No interference in any other matter. Sir, I have filed amendment petition and additional relief. Has it been allowed? Yes, sir. Acha. Now, what is relief? What is the additional relief you want? Sir, upgrading GRF to SRF since the 22nd July 2021. On what basis? Sir, क्योंकि मेरा उस समय conflict हो गया था और मेरे को मेरे supervisor ने गलत तरीके से unsatisfactory दिया था और जिसका conflict नहीं हुआ था उसको That's a matter of inquiry that can't be gone into. Sir, मैंने सब file किया हुआ इसमें. And second, ये ninth number में क्या है आपका? Sir, get scholarship with interest. क्योंकि सर जो ये जो scholarship होते हैं जब ministry और refund करते हैं student को नहीं देते तो ministry और UGC पूरा interest के साथ मांगती है. Mr. Gupta, give me a brief note on these four reliefs which she has by amendment sought for and we will pass the order. Sir, reply का time निकल चुका था यूं नहीं से इश्यू हो गया है मेरी पिटिशन. अब आपको फाइनली सुन रहेंगे ना इनको बस इन्हीं चार रिव्यू सुनेंगे जो फाइनल ऑर्डर करेंगे. नो इश्यू एज रिलेटेड टू इंटरिम रिगार्डिंग एकोमोडेशन एंड ऑल सब एज एग्रीड टू बाय पार्टीज लिस्ट इन द नेक्स्ट वीक फॉर फाइनल डिस्पोजल. श्री गुप्ता प्रेस फॉर टाइम टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड एंड टाइम टू to place on record the compliances made by the institution of the order dated 30th 11th 2022 and shall also address upon the reliefs claimed for whether falls within the ambit and scope of 226 and order delivery on merits as well. गुप्ता साहब नेक्स्ट वीक लगाया जाए कि और आगे बढ़ाएं? नहीं आप कर लेंगे. अच्छा बिकॉज दिस इज 19th ना सो 3rd जुलाई वाले वीक में लगा दें. तो जो रिलीफ इनको मिल सकती है वो दे दीजिए और जो नहीं मिल सकती है बताइए. नहीं मिल सकती है खत्म करिए उसको. We'll discuss the issue and pass an order on merits. Yes. But confine yourself to the prayers only. Yes. No allegations, counter allegations, nothing. Yes.